लिखिए, अध्यक्ष महोदय, अब मैं तीसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह सूती धागे के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे उद्योग मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। सदन में दूसरे दिन आने पर उन्होंने बताया कि मैंने पिछले दिनों इस संबंध में केंद्र सरकार से बात कर पत्राचार किया है और मुझे उधर से यह आश्वासन मिला था कि अगले महीने तक इसकी पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि एक ओर तो आप रोज घोषणा करते हैं कि हमने 90 दिनों में 95 करोड़ के उद्योग लगाने में सफलता प्राप्त की है और इस आधार पर हर जिले में हम 2 उद्योग खोलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को आप जगह जगह उद्घाटन और शिलान्यास करवाने के लिए भगाते रहे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सरकार सही रास्ते पर चलती तो मेरा सभी प्रकार का सहयोग उसके साथ रहता। अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित होगा कि एक ओर हम बेकारी मिटाने के लिए उद्योग खोलने के लिए प्रयत्नशील हैं और उद्योगपतियों को रियायतें देकर दूसरे प्रदेश के उद्योग यहाँ पर खुलवाने जा रहे हैं और दूसरी ओर जो उद्योग हमारे यहाँ परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं उनको आप जड़ से उखाड़ कर फेंक रही हैं। मैं समझता हूँ इससे बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। प्रचेंज, अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 महीनों से हमारे यहाँ का हाथकरघा उद्योग सूत की कमी के कारण लगभग ठप्प सा पड़ा हुआ है। इसके कारण वहाँ हड़ताल हुई और इस हड़ताल के बारे में सेठी जी को भी जानकारी है। हमारे खाद्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी को मालूम है कि जो बुनकर कपड़ा बनाते थे वे आज रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। वे कहते हैं कि हम 2 दिन में केवल एक समय भोजन करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भोजन एक समय क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि सूत नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, संसद में यहाँ के संसद सदस्यों ने प्रश्न उठाया तो केंद्रीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम क्या करें। वहाँ की सरकार ने आज तक इस बात से हमको अवगत नहीं कराया कि उनको कितना सूत और कितने काउंट का चाहिए। मेरा कहना है कि यदि उस समय मांग की गई होती तो जो दशा वहाँ के बुनकरों की हुई वह आज ना होती। बुनकरों ने 40 काउंट की मांग की, लेकिन आपने 80 काउंट ही केंद्र से मांगा। आपने बंडल बनाकर दूसरी जगह भेज दिया और उनसे पैसा ले लिया। जब वहाँ के बुनकरों ने उसे खोल कर देखा तो पता लगा
कि जो माल उनको चाहिए था वह नहीं था। पहला चेंज, अध्यक्ष महोदय यह स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार को इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मैं सीमेंट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सीमेंट के मामले में भी पिछले 6 महीनों से प्रदेश में वही अभाव चला आ रहा है, चाहे सीमेंट का प्रश्न हो या कच्चे धागे का प्रश्न हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर आने के बाद लगातार वे यह कहते रहे हैं कि मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से मिलकर आ रहा हूँ। फुल स्टॉप।